हेलो फ्रेंड, अपराजिता पे फ्लावरिंग का टाइम कब होता है फ्रेंड? आज इसी टॉपिक पे वीडियो है फ्रेंड, और अपराजिता पे अब फ्लावरिंग ब्लूम होने का समय है फ्रेंड। ये अगस्त और सितंबर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग ब्लूम होती है फ्रेंड। और सितंबर में और अगस्त में ये सावन मास में फ्लावरिंग का समय है। और प्लांट को अच्छे से आपने अगर फ्लावरिंग चाहते हैं तो फ्लावरिंग प्लांट को फीड कराना भी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट को फीड की बहुत ज़रूरत होती है। और कौन सी फीड मैं अपने प्लांट को कराती हूँ जिससे मेरे प्लांट पे इतनी अच्छी फ्लावरिंग होती है फ्रेंड? तो अपराजिता पे जिन जिन के यहाँ पे फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो मैं बताना चाहूँगी फ्रेंड कि किस लिए ये फ्लावरिंग नहीं हो रही है और इतनी अच्छी लश ग्रीन और हरी हरी पत्तियाँ चाहते हैं अपने प्लांट पे। तो बने रहें इस वीडियो में। वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र देना है जिससे अपराजिता पे फ्लावरिंग हो और ढेर सारी फ्लावरिंग आप ले सकें। तो अगस्त और सितंबर में बहुत फ्लावरिंग होती है फ्रेंड। और अगर आप अपने प्लांट से फ्लावरिंग चाहते हैं तो सबसे पहले इसकी जो नोट आती है इसको पिंच करते रहे, नई नोट को इसको पिंच करने से आपके प्लांट में फ्लावरिंग होगी, कलियाँ बनेंगी, ढेर सारी कलियाँ बनेगी और फ्लावरिंग होगी। क्योंकि ये जो नोट हम पिंच नहीं करते हैं फ्रेंड, ये एक्स्ट्रा एनर्जी लेते रहते हैं हमारे प्लांट की, और एक्स्ट्रा एनर्जी लेते रहेंगे तो फ्लावरिंग नहीं होगी फ्रेंड। फ्लावरिंग के लिए आप इसकी नोट को पिंच करते रहें। और ये कि वाइन प्लांट है, इसको एक सपोर्ट ज़रूर दें फ्रेंड, और सपोर्ट से इसको ज़रूर बांधें। सपोर्ट से बांधने से ये प्लांट हेल्दी ग्रो होता है और फ्लावरिंग करता है फ्रेंड। फ्लावरिंग के लिए अपने प्लांट को इस टाइम ये मत सोचो कि बरसातें हैं तो इन्हें न्यूट्रिशन मिल रहा है। बरसातों में न्यूट्रिशन तो मिलता है फ्रेंड, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्हें फीड कराने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें हमें खाद भी देनी है फ्रेंड। तो मैं कौन सी खाद ऐसी देती हूँ जिससे मेरे प्लांट पे फ्लावरिंग हो रही है और बंच बन रहे हैं फ्लावर के, ये देख सकते हैं फ्रेंड कितने सारे बन रहे हैं। तो इतने सारे फ्लावर मेरे प्लांट कर रहा है अगस्त में, सावन मास में इसमें फ्लावरिंग होती है बहुत अच्छे से। तो इस प्लांट को ज़रूर ग्रो करें फ्रेंड। इसके दो तीन कलर आते हैं, पर्पल, ब्लू और वाइट। तो मेरे पास ये वाइट वाला है, देखिए कितना सुंदर फ्लावर है। तो मैं फ्लावरिंग प्लांट को कौन सी फीड कराती हूँ, कौन सी ऐसी फर्टिलाइज़र देती हूँ, तो ये है चाय की पत्ती फ्रेंड, सूखी हुई चाय की पत्ती फ्रेश मैंने ली है। इस चाय की पत्ती को आप रात भर पानी में भिगो के रखेंगे तो आपके प्लांट को आप दे सकते हैं उस पानी को छान के। सूखी हुई चाय की पत्ती या गीली चाय पत्ती अभी ना दें प्लांट को, क्योंकि फंगस का भी टाइम है फ्रेंड। और जो भी खाद लिक्विड फॉर्म में आप अपने प्लांट को दे रहे हैं फ्रेंड, मिट्टी चेक करके दें, गीली मिट्टी में कोई भी खाद ना दें। सूखी मिट्टी हो तो गुड़ाई करें फ्रेंड, गुड़ाई करके खाद दें, क्योंकि गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड। गुड़ाई करने से आपके प्लांट में मिट्टी सूखेगी और इसी सूखी मिट्टी में आप चाय की पत्ती का लिक्विड बना के रात भर पानी में 24 घंटे के लिए भिगो के रख दें। और इस पत्ती के पानी को आप पानी और नॉर्मल पानी मिला के अपने प्लांट को दें, तो ऐसे ब्यूटीफुल पत्तियाँ, हरी हरी पत्तियाँ और ब्यूटीफुल फ्लावर चाहते हैं बड़े बड़े और अपराजिता पे फ्लावरिंग चाहते हैं तो ये खाद आप ज़रूर दें लिक्विड फॉर्म में। ये देखिए तो ढेर सारे फ्लावर चाहते हैं, तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें फ्रेंड और अपने प्लांट को ये खाद दें, चाय की पत्ती का पानी। और वर्मी कंपोस्ट को भी लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं फ्रेंड। और कोई फंगस वगैरह है आपके प्लांट में, पत्तियां ख़राब हो रही हैं और येलो हो रही हैं, तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी फ्रेंड, तो वीडियो पूरा देखना फ्रेंड और इस वीडियो को वॉच करें फ्रेंड। थैंक यू। वीडियो पसंद आए, आपके काम की वीडियो हो तो ज़रूर देखना फ्रेंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज़।